मैं आज पूरा दिन घर पे ही हूँ, नॉट गोइंग एनीवेयर। Hi, good morning everyone. God bless you and welcome back to my YouTube channel. अभी सुबह सुबह हो चुकी है और मैं सुन रही हूँ अपना मॉर्निंग मेडिटेशन। ये चल रहा है पीछे, कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम ना है तो इससे पहले हम जाएंगे किचन में, बिकॉज किचन में मुझे सबसे पहले I was editing my vlog as well. एंड उसके साथ साथ मुझे अभी क्या करना है, गर्म करके पानी पीना है, बिकॉज आज है सबद डे एंड मैं मॉर्निंग वर्शिप मिस कर चुकी हूँ, बिकॉज मैं जल्दी सोई थी रात को। उसके बाद भी पता नहीं कैसे मैं सुबह उठी और मेरा ये वाला पार्ट जो है ना, बैक बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई, अभी भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। सो आई हैव टू गो फॉर माई ट्रीटमेंट, फॉर माई लेजर ट्रीटमेंट। मैं फुल बॉडी लेजर करवाती हूँ, जो कि मैंने लास्ट लेजर करवाया था आई थिंक 2 या 3 महीने पहले, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बट नाउ आई नीड लेजर। सो अभी मैं जा रही हूँ लेजर के बारे में, बट उससे पहले मेरी आफ्टरनून वर्शिप भी है और आंटी भी अभी आ रहे हैं जो मेरे लिए खाना बनाते हैं। वो आंटी बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं आंटी, मतलब पहले कोई और काम करता था, साजन काम करता था, बट अभी फिलहाल उसको हमने हटा दिया है एंड नाउ आंटी कुक्स फॉर मी, और आंटी बहुत अच्छा कुक करती हैं। अभी मेरा प्लान है कि मैं फटफट अपना लेमन हनी वाटर पीऊँ एंड व्लॉग एडिट करके साथ के साथ पोस्ट करूँ, बिकॉज कल मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया था, बिकॉज मैं ऐसी सो गई थी। आई वाज फीलिंग वेरी स्लीपी गाइस, मेरे को बहुत नींद आ रही थी और मैंने आपको बताया मैं ये सुबह तो बहुत ही दर्द हो रहा था। मसाज करवा लूंगी बैक की तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। मुझे 12 बजे आना, वो मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा फॉर लेजर, लेजर मुझे बाद में जाना पड़ेगा बिकॉज मेरी वर्शिप है 3 बजे और उन्होंने मुझे लेजर के लिए बताया 12 बजे, तो 12 को मुझे एक करना पड़ेगा बिकॉज आंटी आ रही है खाना बनाएगी। जब तक मैं खाना बना खाऊंगी अभी तक 11, 12 या 13 हो रहे हैं अभी, सो जब तक मैं खाना थोड़ा खाऊंगी 1 घंटा निकल जाएगा और फिर जल्दी हबर डबर में मुझे कुछ भी नहीं करना। तो मैं प्लानिंग कि मैं अच्छे से आंटी आ जाए खाना खा के हनी लेमन वाटर मैं खुद ही बनाऊंगी, हनी लेमन एप्पल सिनेगर। ये फिलहाल मैं रोज मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रहा मेरा कप, इसको हमें पानी से थोड़ा ठंडाना पड़ेगा। तो ये मैंने कप लिया, सो इस डाल लेंगे 1 चम्मच तो काफी अच्छे से काफी टाइम चल रही है हम दोनों के पीने के बाद भी है, तो काफी अच्छा है। आप भी बड़ा वाला मंगवा सकते हैं, काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मैंने अमेजोन से मंगवाया था, इट्स वेरी नाइस। एंड द सेकंड थिंग इज हनी, मुझे और मंगवाना पड़ेगा, मैंने कल मंगवाया था आज खत्म हो गया है। तो दिस हनी गॉना बी देयर, इसको डाल दी मैं इसमें, हनी भी हो गया, लॉट ऑफ वाटर अनदर वन, क्योंकि मैं ब्लॉग भी फिलहाल एडिट करके मुझे डालना है, तो मैं आपसे मिलती हूँ गाइस अपना ब्लॉग एडिट करके और उसे पोस्ट करके, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं अभी तक ब्लॉग पोस्ट नहीं किया। Okay, so that's my morning drink. It's gonna be with honey, apple vinegar, and hot water. हाँ, और इसमें हल्की सी बिल्कुल चुटकी भर हम डालेंगे हल्दी। इसमें मेरे पास नींबू भी पड़ी है, आप नींबू डाल देंगे इसमें, चुटकी भर डालेंगे हल्दी। हल्दी मैं इसलिए पी रही हूँ बिकॉज हल्दी इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड सो मेनी अदर थिंग्स,
रस निकल ही नहीं रहा इसमें से, तो मुझे लगता है मुझे दोनों डालने पड़ेंगे बिकॉज इसका रस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, तो मैं दोनों डालू तो वियर्ड ये नींबू बहुत वियर्ड है, इनका रस तो निकला नहीं। ओके गाइस, आई गॉट माय ड्रिंक and mama used to say always whenever you're using a cup or anything always use tray or any plate with it because it doesn't look nice, try with it। Then ab na yahan pe dry room mein baith ke yahan se hamare dry room se view aur yahan pe baith ke main aaram se apna ड्रिंक एंजॉय कर सकती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको व्लॉग एडिट करके और अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है वो दिखाने के लिए। सी यू सून। बारिश हुई बहुत तेज, बारिश आ गए हैं धूप पे। फाइनली आई एम गोना हैव फूड नाउ, माय ब्रेकफास्ट। मैंने हनी मंगवा लिया एंड उसमें डाल भी लिया, सो लेट्स जस्ट मिक्स। ठीक है आंटी, ओके, बहुत अच्छा दिख रहा है। आंटी ने बना दिया है ब्रेकफास्ट आज का मेरा। सो हाई गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी। आई एम कीपिंग माई हेयर स्टाइल लाइक दिस टुडे, लाइक वेरी सिंपल एंड बेसिक, एंड आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट एक्स्ट्रा साइज एंड माई फेवरेट जीन्स एंड शूज मुझे अभी पहनने हैं, सॉक्स डालनी है एंड सॉक्स ब्लैक वन एंड तो माई सीन इज मुझे जाना है अभी अपने स्किन स्किन लेजर के लिए, तो डॉक्टर इज वेटिंग, आई एम ऑलरेडी लेट, 1 बजे का टाइम था और अभी बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है और 1 बज चुका है, 1:10 हो गए हैं, अभी तक मैं पहुंची नहीं हूँ, तो मैं फटाफट से निकल रही हूँ यहाँ से। मुझे लगेंगे 20-25 मिनट मैक्स टू मैक्स बिकॉज बारिश बहुत तेज हो रही है, तो हम फटाफट निकलते हैं साथ के साथ घर से और बात करते हैं क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है अभी फिलहाल के लिए। एंड बारिश जैसे कि आप देख लेंगे बारिश काफ़ी तेज हो रही है एंड मैं लेने वाली हूँ छतरी। आज की मैंने 3 छतरी ली थी और मुझे एक भी नहीं पता किधर है। एक तो मैं सो आई एम यूजिंग 1 छतरी जो कि मैंने ले लिया अभी फिलहाल के लिए, आई एम लीविंग, सी यू गाइस सुबह सुबह सून बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेट। और शूज आई एम गोना वेयर दिस ज़ूडियो के दिस शूज जो कि थोड़े से गंदे हैं, इनमें पानी पानी नहीं जाएगा ना, इसलिए ये वाले शूज अभी के लिए फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट है। आओ आओ
मेरे को मेरी बॉटल लग गई है पानी की। मैं ऐसे बैठने जा रही थी और ये बैग में इधर पानी की बॉटल रखी है, इस पर कोनी लग गई है। बहुत जोर तो लगी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त लायक है। ठीक है, अभी ठीक हो गया दर्द, एकदम से हुआ ना थोड़ा सा, अभी नहीं हुआ दर्द। डन विद माई शूज। सो शूज, चलो चले। थैंक यू। तो मैंने यहाँ से दो ग्लासेस बनवाए थे, दोनों ही टूट चुके हैं। लेट्स गो। ये पीडी मीटर वाला ऑलरेडी आपने लिया था ना, ले ही चश्मे है ना, कहीं आ गया आपका पीडी मीटर का। पांच किचन में आगे चली गई थी, दिस इज द प्लेस बट दे आर सेइंग यूज 3112, सो आई थिंक दिस इज 3112। फाइनली रीच्ड। हाय, हाउ आर यू? डॉक्टर है? नहीं, अभी आई हूं। ठीक है, मेरे को 2:30 तक फ्री कर सकते हो आप आज? परफेक्ट, ओके। हाँ लगा लो, कोई बात नहीं, लगा लो मास्क या फिर मुझे मत। ठीक है, तो मैं नहीं लेती। तो आज यहाँ पे रूम खाली नहीं है हमारे क्लिनिक में, तो आज यहाँ पे सिटिंग में हो रहा है, डॉक्टर का वेट हो रहा है, बट मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। आई जस्ट विश ये ट्रीटमेंट जल्दी से खत्म हो, क्योंकि आई थिंक ये सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम लग रहा है, राइट? सेकेंड या थर्ड टाइम, बट इसको कंटिन्यू करना है गाइस, और मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है आने का बार बार, बट ठीक है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और इसके रिजल्ट कब तक दिख जाते हैं इस ट्रीटमेंट के? 3-4 सेशन में। तो दिस इज गोना बी माई थर्ड सेशन, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। एंड या, होप फॉर द बेस्ट, सी यू गाइस आफ्टर माय दिस थिंग। अभी इसमें इंजेक्शंस भी लगने वाले हैं ना, आई शो यू द फुल प्रोसेस। So, लंबी लंबी सांस लेते हैं। तो ये मेरे सर में लगेंगे इंजेक्शंस। ओके, सो गाइस ये खून लगने वाला सर में। डॉक्टर इज हियर। हाय, हाउ आर यू? ब्लड लिया होगा? हाँ लिया, आप रखाओ बैग। मेरा ब्लड ले लिया, डॉक्टर इज हियर, सो अभी मुझे रूम भी मिल जाएगा फॉर माय ट्रीटमेंट। सो फाइनली डॉक्टर के आते ही आई गॉट माय रूम। और अभी यहाँ पे मेरे हेयर में हो रही है ट्रीटमेंट, हेयर जीएफसी। यस, हेयर जीएफसी फॉर ग्रोथ एंड शाइनी हेयर, है ना डॉक्टर? यस, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, हेयर फॉल। या ऑल इन वन। या तो आप डॉक्टर के पास आके करवा सकते हैं। थोड़ा सा पेनफुल है ये, हल्का सा। द टॉपिकल नंबिंग विल बी देयर। या आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। जल्दी हो गया, लाइक नॉट इवन 5 मिनट्स भी नहीं लगे हमें, फटफट से डॉक्टर ने कंप्लीट कर दिया ये प्रोसेस। नाउ इट्स नॉट पेनिंग, हल्का फुल्का रहेगा थोड़ा टाइम,
बिकॉज फुल इंजेक्शन से लगाते हैं मेरे को यहाँ पे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी ग्रोथ थोड़ी सी वो हो रही है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल थोड़े से कम हो रहे हैं बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है कई बार चीज़ों का, एंड यू नो यू डोंट ईट प्रॉपर फूड और आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, तो इसलिए बालों से ही सारी लुक है, तो इनको अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो या बाल अच्छे हो जाएंगे अभी, 3-4 ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखता है. तो फर्स्ट 2 हो चुके हैं, तब दैट टाइम आई वॉज नॉट व्लॉगिंग, तो ये मेरा 3rd है. एंड लेजर हम वापस आके कराएंगे, तो अभी फिलहाल मैं पीती हूँ ग्रीन टी और जाती हूँ ज़ायन. सी यू गाइस सून, बाय बाय. शो यू अराउंड द क्लिनिक. सो यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, ये पहले यहाँ से एक दरवाज़ा हुआ करता था, अभी भी है वो दरवाज़ा दिख रहा है जहाँ पे शीशा लगा है, बट अभी उन्होंने बड़ा कर दिया, उन्होंने 2 शोरूम्स ले लिए हैं डॉक्टर ने. जब मैं यहाँ पे आई थी तब वो बिल्कुल स्टार्ट किया था उन्होंने यहाँ पे, एंड तब सिर्फ एक कैबिन था, अभी 2 कैबिन हो गया उनके. एंड आई लव दिस मिरर. सो यहाँ से ये है, यहाँ पे ये ऑफिस है, ये पहले हुआ बट अभी भी यही है दिस ऑफिस, एंड बाकी सब रूम्स हैं. इधर एक वॉशरूम है और ये सिटिंग एरिया चेंज कर दिया, और ये है रिसेप्शन एरिया, और भी बाकी बहुत सारे रूम्स हैं ऐसे जगह जगह पे इधर भी. और ये है मेरा बैग. डॉक्टर, समवन इज कॉलिंग यू. डॉक्टर का फोन बज रहा है और मैं फिलहाल अभी ग्रीन टी पी. आपका फोन बज रहा है. यस, आ रहे हो. This is the angle, doctor. हाँ, ये बहुत, ये पूरा आपका ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. Congratulations. Thank you. बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर. Thank you so much. It means a lot. बिल्कुल आपकी तरह डॉक्टर. तो मैं अभी कर रही हूँ अपना फोन चार्ज, एंड फिर मैं लिख लूंगी यहाँ से थोड़ा सा फोन चार्ज करके, बिकॉज मैं चार्जर लाना भूल गई हूँ. बट मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं ज़ायन तक पहुँच जाऊँ, ज़ायन से फिर वर्शिप के बाद मुझे वापस इधर आना है, तो मैं वर्शिप के बाद जाऊँगी घर, अपना चार्जर लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पे आऊँगी, बिकॉज चार्जर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. एंड या दैट्स इट. और मैंने लाइनर्स भी पहने हैं, कैन यू सी. तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से, निकल रही हूँ यहाँ से. एंड मेरी मॉम हमेशा बोलते थे निकल बोलते रहो, निकल होता है, निकल मैं कुछ और बोलती हूँ, फिर ऐसी वर्ड कुछ और होता है, मॉम हमेशा मुझे करेक्ट करते थे. सो यहाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी सीधा वर्शिप के लिए, एंड सी गाइज आफ्टर वर्शिप, बिकॉज जैसे आप जानते हैं मैं ज़ायन में वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मैं ऑफकोर्स आफ्टर ज़ायन ही शूट करती हूँ या फिर बिफोर ज़ायन. सो सीधा चलते हैं नीचे से, ऑटो लूँगी मैं, ऑटो लेके सीधा फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको अपनी वर्शिप करने के बाद. सी यू गाइस, आई कम मिस यू. गाइस आफ्टरनून वर्शिप बहुत अच्छे से हो गई है, वापस से आगे फ्लोर पर जा रही हूँ. फाइनली आई विल फॉर माय लेजर, मुझे इसमें अच्छा लग रहा है कि पेन वेन कुछ भी नहीं रहा. थैंक यू भैया. सो अभी हम चलते हैं सीधा और कराते हैं अपना, यहीं से एंट्री है. मैं वो आगे चली गई थी. मैंने चेंज कर लिया अपने आउटफिट में, जो कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, मुझे मैं आपको लेजर के बाद. Done with my laser and
नाउ मेरे को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं एंड आसपास की, एंड फिर उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा वर्षिप बिकॉज डाउन टू, तो वहाँ से फिर सीधा इवनिंग वाली वर्षिप एंड उसके बाद आई हैव अ प्लान, आई हैव अ डिनर प्लान विद माय फ्रेंड एंड या लेट्स गो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कुछ खाते हैं बहुत कुछ। मैं आई हूँ आज मोमोज किंग पे जो कि लोखंड वाला बैक रोड पे है, फटफट से मिल जाएगा मुझे, मेरा बहुत मोमोज खाने का मन कर रहा था, तो आई एम गोइंग फॉर, आई एम गोइंग फॉर चिकन अचारी मोमोज, यस। तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं, इट्स अ नाइस प्लेस, मोमोज किंग ठाड़ा था, और ये मोमो किंग के मालिक कुछ ऐसे दिखते हैं जो भी काम कर रहे हैं। भैया कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से, अरे बहुत बढ़िया, आपकी स्माइल तो बहुत ही अच्छी है भैया, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं मोमोज खाते हुए, चिकन गर्म हो रहा है अभी, और खाने के लिए दे देना, मैं जाते जाते खाऊंगी रेस्ट में। तो अगर आप इन भैया को देखेंगे, ये अभी 26 साल के और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। अगर आप लोखंडवाला में उस तरफ जाएंगे तो भी मिलेगी आपको, वर्सोवा, वर्सोवा में भी है ना, वर्सोवा में भी है ना, वर्सोवा में भी मिलेगी, साज बंगला में भी है, सारी जगह। भैया यार मेरे से ज़्यादा पैसा तो आपके पास लग रहा है मेरे को, एक एक रेडी मैं भी डाल लूँ इधर साथ में। ओके भैया बाय बाय, टेक केयर। अभी हम खाएंगे मोमोज, फ्राइड मोमोज। भैया चलो गोरेगांव, वेदर बहुत अच्छा लग रहा है एंड अभी मेरा प्लान है कि मैं एक घंटा घर पे रियाज करके फिर जाऊंगी जायन एंड वर्शिप करने के लिए एंड उसके बाद चल जाएंगे। वैसे मेरा बीच में अभी प्लान बन रहा था, मुझे हर्षू का बीच में भी प्लान बन रहा था, मुझे हर्षू का, काव्या का, हर्षू का फ़ोन आया था कि दे आर लाइक प्लानिंग टू गो लोनावला एंड बट मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, बट आज सैटरडे था तो इवनिंग की वर्शिप अटेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने पिछले सैटरडे वर्शिप अटेंड नहीं की थी, तो इस बार आफ्टरनून और इवनिंग कम से कम दो वर्शिप तो अटेंड करूँ एंड तो आई एम प्लानिंग लाइक दैट, तो दो वर्शिप्स अटेंड करूँगी एंड फिर उसके बाद फर्स्ट कर चुकी हूँ मैं आफ्टरनून की, इवनिंग की करूँगी एंड बहुत अच्छा लगता है वर्शिप अटेंड करके, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ अंदर से एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, सो ग्रेटफुल अबाउट। मैंने चेंज किया है बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं मैंने क्या खाया था, मैंने कुछ खाया था वो मेरी शॉप पे गिर गया था, तो फिर मैंने अभी ये चेंज कर लिया, मैं वेयरिंग दिस। सीधा मिलती हूँ आपको वर्शिप के बाद। आफ्टर वर्शिप मैंने किया यम्मी सा डिनर और ये व्लॉग है यहीं तक, गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।